तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह में गांव के जंगलों में कितना बेहतरीन मौसम होता है आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस वक्त तो अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में गेहूं कटने का सीजन होता है, गेहूं निकलने का सीजन होता है। इस वक्त सभी ईंख भी खत्म होती है और देखो जंगल आप देख सकते हो एकदम खाली नजर आएगा। जंगल के सारे खेत दूर दूर तक खाली पड़े हैं। ये खेत में गड्ढे आप देख रहे हो, गड्ढे क्यों हैं मैं बताता हूँ। जिसको अपना खेत नीचा करवाना होता है वो अपने खेत की मिट्टी उठवा देता है और लोग यहाँ से मिट्टी उठा के ले जाते हैं, तो इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं। इस खेत में सारे गेहूँ कट चुके हैं, अब बस निकलने बाकी हैं। एक खेत में गेंदे बुए हैं, ये के 3-4 तरह के, लाल गेंदा, पीला गेंदा, केसरिया भी है और देखो सफ़ेद फूल भी है। कितने तरह का गेंदा बुआ हुआ है। ये देख सकते हैं गेहूं कटाई का काम है और गेहूं कटाई में सुबह 6 बजे हैं, पर लोग यहां भी आए नहीं हैं। सुबह सुबह का ठंड का मौसम ही होता है गेहूं काटने का, लेकिन यहां कोई गेहूं काटने वाले आए नहीं हैं। हो सकता है अभी आ रहे हों। ओ भाई बेहतरीन जगह, अब ये इतनी शांति है। ये बाग में आ चुके हैं भाई दोस्तों हम। इतनी शांति है बाग में सुबह सुबह के वक्त। मेरे पीछे देखो आम के पेड़ हैं। आम ही लगनी वैसे तो चालू हो गई हैं, अब बस कुछ दिन में आम ही मोटी मोटी और लगनी चालू हो जाएंगी। फिर ये आमियाँ खाना आप भी, और खट्टी खट्टी आमी बड़ी गजब की लगती हैं। देखो पीछे का व्यू कितना बेहतरीन है, ये कितना गजब का है दोस्तों, देख सकते हो आप। ये बाग अभी सूरज अच्छे से निकला भी नहीं है, बागों के बीच में से निकलता हुआ सूरज है ये। ये खेत में तार जो बंधे हुए हैं ये गाय वगैरह ना घुसें इसलिए बांध रखे हैं। तो दोस्तों बाग में बगल में एक कुआं भी है, कुआं अभी चला नहीं है, लाइट नहीं है और सूरज निकलने पे है। जब तक सूरज नहीं निकलेगा मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। देखना आप सूरज निकलता हो कितना सुंदर लगता है। निकल चुका है, मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे से देखना। ये देखिए सुंदर व्यू है ना। तो ये गाँव है भाई साहब, गाँव। गाँव में आओ, देहात में आओ, घूमो फिरो। तो दोस्तों फाइनली बात ये थी कि अप्रैल के महीने में गांव के जंगलों में होता क्या है। अप्रैल के महीने में गांव के जंगलों में गेहूं बुए होते हैं, वो पक चुके होते हैं, उनकी कटाई चालू रहती है और गेहूं कट जाते हैं। फिर उनका सब ढेर इकट्ठा हो जाता है, गेहूँ निकल जाते हैं, घर आ जाते हैं। ईख की सब कटाई खत्म हो जाती है, ईख खत्म हो जाती है, नई नई ईख बूती हैं। तो गाँव के खेतों में अप्रैल के महीने में ये होता है। सामने जो आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो मोर नाच रहा है सामने। अभी थोड़ी देर देखते रहो इसे, ये घूमेगा। ये देखो घूम गया, ये देखो घूम गया, ये देखो देखो। बस हमारे कैमरे का जूम इतना ही है, इससे ज़्यादा जूम हम नहीं करके दिखा सकते। ये देखिए एक और खेत में गुलाब के फूल बुए हुए हैं। ये और जूम कर देता हूँ। ये देखो गुलाब के फूल आपको दिख रहे होंगे। गुलाब के, गेंदे के, हर तरह के फूल बो रहे हैं हमारे इधर। ये देखो गेंदे के भी हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें यहाँ घूमते हुए और सूरज भी सर पे आ लिया है। ये देख रहे हो सूरज की सुबह सुबह की किरणें। ये बंदा देखो गेहूँ काट के पूली, शायद पूली बांध रहा है नोट के। हाँ, ये पूली बांध रहा है। गेहूँ का हाल देख लो, अप्रैल के महीने में जो ऐसे अंधेर आए हैं, इतनी धूल, बारिश, आंधी, तूफान आए, गेहूँ कितनी बुरी तरह गिरे हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।